एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है द वन पेज यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट की कटिंग को बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से कैसे ग्रो करा जाए, और इसमें दोस्तों 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि दोस्तों तरीका ही कुछ ऐसा है। तो वीडियो एंड तक देखिए और इन्जॉय करिए। सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक छोटा सा पॉट जिसके अंदर हमें पहले से ही मिट्टी भर के रखनी है, और हम उसे गीली कर देंगे जिससे हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारे मनी प्लांट में काफ़ी सारी एरियल रूट्स निकलती है, तो दोस्तों बस उन्हीं का यूज़ करके हम एक और फ्रेश न्यू कटिंग बनाएंगे, मतलब मनी प्लांट की करेंगे एयर लेयरिंग। और ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है, सबसे ईजीएस्ट वे होता है मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का। यहाँ पर दोस्तों आप देख ही रहे होंगे हम एक स्टोन यूज़ कर रहे हैं अपनी मनी प्लांट कटिंग को स्टेबल बनाने के लिए। अगर आपकी मनी प्लांट की कटिंग हेल्थी रहेगी तो मनी प्लांट कभी नहीं ग्रो करेगा इस न्यू पॉट के अंदर, और वो सारा न्यूट्रिशनल अपना मदर प्लांट से ही लेता रहेगा। तो कोशिश करिए एक स्टोन लगा दीजिए, और स्प्रे के मदद से आप हमेशा वहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन करके रखें जिससे मनी प्लांट को ऐसा लगे कि वो हेल्दी एनवायरनमेंट में है और वो फटाफट प्रोपोगेट करेगा, अपनी रूट्स को ज़्यादा ग्रो करेगा। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, आपकी कटिंग को बार बार चेक नहीं करना है कि रूट्स ग्रो हुई है नहीं हुई है। आपको बस स्टोन लगा के छोड़ देना है, और एक सप्ते के बाद आप चेक करेंगे, एक सप्ते से 15 दिन के अंदर ही आपको चेक करना है, आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए चेक करते हैं हमें रिजल्ट क्या मिला। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखते तो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहा है, एक रूट सॉइल के अंदर जा चुकी है, मतलब हमारा काम 99% हो गया है। अब दोस्तों अगर हमारे मनी प्लांट के अंदर रूट्स ग्रो हो चुकी होगी तो हम उसे नया पॉट देंगे, नहीं तो फिर से इसी पॉट में ग्रो कर देंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सॉइल में हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। मॉइस्चर की वजह से हमारी रूट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगी। मॉइस्चर मेंटेन करने के साथ साथ आपको इस मनी प्लांट कटिंग को शेडी एरिया में रखना है जिससे मनी प्लांट की लीफ बर्न नहीं हो, और मनी प्लांट बहुत हेल्दी नज़र आए, जैसे कि अभी नज़र आ रहा है बहुत ही प्यारा और हेल्दी हमारा मनी प्लांट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें रूट्स नज़र आ गई है, इसका मतलब यह है कि हम हमारे मनी प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, वो भी थोड़े से बड़े पॉट में जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। नियरली दोस्तों हम 6 to 8 inches के आसपास का पॉट लेंगे, और ये बहुत ही आइडियल साइज़ होती है किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए। अगर आप इन फ्यूचर कोई कटिंग ग्रो करते हैं तो 6 to 8 inches के आसपास का ही पॉट यूज़ करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम एज ए फर्टिलाइज़र काउडंग डालेंगे जिससे हमारे मनी प्लांट की लीफ और ज़्यादा ग्रीन हो जाएगी और इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। मनी प्लांट दोस्तों लीफी प्लांट है, इसका मतलब इसको नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी इन फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर काउडंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन होता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है किसी भी प्लांट को। रोज प्लांट के लिए तो दोस्तों ये अमृत के जैसा होता है, और मनी प्लांट के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हुआ है। दोस्तों हम यहाँ पर जो सॉइल यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल है, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया 10% हो गया हमारा काउडंग और 90% हो गया हमारा नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल। यही सॉइल मिक्सचर मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर दोस्तों हम तीसरी बात पर आ गए हैं जो कि बहुत खास, और ये दोस्तों वास्तु के हिसाब से भी आप थोड़ा कंसिडर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मनी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देके ऊपर की तरफ ग्रो करें जिससे ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी और मनी से रिलेटेड। अब यहाँ पर मनी प्लांट का नाम मनी क्यों रखा गया है, दोस्तों इस प्लांट को रखने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ हमारे पास थोड़ा सा धन का लाभ जो बोलते हैं वो भी होता है। तो आप कोशिश करिए आपके घर में मनी प्लांट ज़रूर ग्रो करें, और आप कोशिश करिए कि वो आप खुद परचेस ना करके किसी के घर से आप एक कटिंग लेकर आएँ। अब दोस्तों बात करते हैं मनी प्लांट से हमें लाभ कैसे मिलेगा, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा इनकम सोर्स कैसे बढ़ेगा। उसके लिए दोस्तों वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको मनी प्लांट को रखना है साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यही कॉर्नर होता है जहां पर मनी प्लांट को रखा जाता है, जहां से मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी हम ले सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा प्रॉफिट पहुँचा सकते हैं। दोस्तों कोशिश करिए एक तो कहीं और से कटिंग लेकर आएँ और साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें। बहुत सारा ज्ञान के बाद अब टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी कटिंग को लगाए हुए करीब 5-6 दिन और हो चुके हैं, और यहाँ पर अब हमारा मनी प्लांट बिल्कुल सेट हो चुका है। कोशिश करिए अपने मनी प्लांट की कटिंग को जब भी ग्रो करें इंडोर्स रखें, या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो बट इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, तो इसकी लीफ के अंदर बहुत अच्छी सी चमक आएगी और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा, और आपको पता ही है क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं आपके साथ एक बात और शेयर करता हूँ, आप कोशिश करिए आपका मनी प्लांट हमेशा हेल्दी वर्जन में रहे, मतलब एवर ग्रीन मनी प्लांट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर डेड लीफ या फिर ब्राउन लीफ है तो उसे तुरंत कट कर दीजिए, ये आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। और कोशिश करिए आपका मनी प्लांट के ऊपर आप वाटर स्प्रिंकल करते रहें जैसे यहाँ पर मैंने कर रखा है, तो आपका मनी प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको मनी प्लांट से रिलेटेड और ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।